छत्तीसगढ़ के कोरिया में राम गमन पथ यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पर्यटन रथ यात्रा और विशाल बाइक रैली का शुभारंभ कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के हरचौका से हुआ। हरचौका से रथ यात्रा जनकपुर पहुंची, जहां रैली का स्वागत जनकपुर की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पुष्प गुच्छ एवं फूलों की माला से किया गया। इसके साथ आतिशबाजी भी की गई। पर्यटन रथ यात्रा एवं बाइक रैली को भक्तिमयी बनाने के लिए प्रतीक विश्राम स्थल पर रामायण पाठ लोकगीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर कोरिया जिले के कलेक्टर SN राठौड़ ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हर चौका से राम गमन यात्रा की रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग 100 बाइकर यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, उन स्थानों को पर्यटक के रूप में विकसित करेगी, जिसमें 5 जिलों का चयन हुआ है। बताया जा रहा है कि राम भवन पत्र पर्यटक मार्ग के विकास के लिए 167 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसे पर्यटक क्षेत्र में विकसित किया जाना है। पूरे छत्तीसगढ़ में 6 जिलों में ये रैली होगी, जिसमें रामायण की पुस्तक और ध्वज लेकर एक जिले से दूसरे जिले तक जाया जाएगा। कोरिया जिला के बाद यह रैली सूरजपुर पहुंचेगी और एक रैली सुकमा जिले के रामाराम से चंद्रपुरी रायपुर तक पहुंचेगी, जहां इस रैली का समापन होगा। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। सरकार आज पूरे प्रदेश में आज हरचौका से हम लोगों ने बाइक रैली के शुभारंभ किए हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, उन स्थानों को छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन स्थानों का चयन किया पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ में आज हरचौका से हम लोगों ने शुभारंभ किए हैं। हरचौका के बाद आपने देखा होगा घाघरा, घाघरा के बाद कोटाडोल, कोटाडोल के बाद छतौड़ा, छतौड़ा के बाद रामगढ़, रामगढ़ होते हुए आपके कोरिया बॉर्डर तक हम लोग छोड़ेंगे। इसके बाद सूरजपुर जिले 5 जिला होते हुए चंद्रपुरी में इसका समापन होगा, जहां माता कौशल्या का मंदिर बना है। भगवान श्री राम का 14 वर्ष जब वनवास था, उन कार्यकालों में छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय उन्होंने बिताया था। माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत देश में एक ही जगह है, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने इन स्थानों का चयन किया है और पर्यटन के रूप में विकसित करने का ही बीड़ा उठाया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री राम वनगमन परिपथ की यात्रा निकली है। बाइक रैली में करीब 100 हमारे बाइकर्स आज यात्रा किए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पहला हाल्ट घाघरा में सबको यहाँ से एक दूसरी टीम रवाना होगी और वो आगे बढ़ेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.